जमशेदपुर के विशाल सोनकर ने डांसिंग रियलिटी शो डांस दीवाने का दूसरा सीजन अपने नाम कर लिया है। शनिवार को हुए ग्रैंड फिनाले में उन्हें शो का विजेता घोषित किया गया। प्राइज के रूप में उन्हें 15 रुपए की धनराशि मिली है। 23 साल के विशाल पहले फूड डिलीवरी बॉय थे, लेकिन शो में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी थी। दैनिक भास्कर से बातचीत में विशाल ने अपने इस सफर और भविष्य की योजना पर बात की। विशाल सोनकर से हुई बातचीत के अंश, यकीन नहीं हो रहा कि मैं शो जीत गया। मुझे टेक्निकल डांस नहीं आता था, लेकिन इस शो के जरिए मैं वह सीख गया। यकीन नहीं हो कि मैंने डांस दीवाने का खिताब जीत लिया है। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी जो रंग लाई। मैं फूड डिलीवरी बॉय था, इसलिए डांस प्रैक्टिस की करने का मौका नहीं मिलता था। जब पता चला कि इस शो के ऑडिशन चल रहे हैं तो मैंने भी किस्मत आजमाई। मैं मुंबई राउंड के लिए चुन लिया गया, जिसे मैंने क्लियर किया और शो में पहुंच गया। शशांक सर ने बहुत मदद की, तीनों जजेस ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, लेकिन शशांक खेतान सर ने मुझे फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया है। मेरी माँ को आर्थराइटिस था और हमारे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तब शशांक सर ने हमें बहुत मदद की, जिसके चलते अब माँ एकदम ठीक है। माधुरी दीक्षित ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। वे मेरे परफॉर्मेंस पर सीटी बज जाती थी तो काफी कॉन्फिडेंट महसूस करता था। सबसे पहले घर बनाना चाहता हूँ, मैंने 15 लाख रुपए जीते हैं, जिससे सबसे पहले खुद का घर बनाना चाहता हूँ। अभी मैं किराए के घर में रहता हूँ। इसके अलावा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कई टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। ऐसे जरूर तमंदों लिए मैं एक एकेडमी बनाना चाहता हूँ। मौका मिला तो फिर से पढ़ाई करूँगा। घर की जिम्मेदारियों के चलते मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद परिवार को सपोर्ट करने के लिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। मैं अपनी बहन को खूब पढ़ाना चाहता हूँ, उसका हर सपना पूरा करना चाहता हूँ। मौका मिला तो खुद भी फिर से पढ़ाई शुरू करूँगा। रणवीर श्रद्धा को कोरियोग्राफ करने का सपना, अब मैं कोरियोग्राफर बनना चाहता हूँ। टीवी पर कई डांसिंग रियलिटी शो आने वाले हैं, कोशिश करूंगा कि उनमें से किसी में बतौर कोरियोग्राफर आ सकूं और अपना करियर इसी दिशा में आगे बढ़ा सकूं। मेरा सपना रणवीर सिंह और श्रद्धा कपूर को कोरियोग्राफ करने का है। उम्मीद है कि यह एक दिन पूरा होगा। जमशेदपुर नहीं छोड़ना चाहता, मैं जमशेदपुर कभी नहीं छोड़ना चाहता। वहां रहकर अपने और मुझसे जुड़े हर व्यक्ति के सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। साथ ही जमशेदपुर के बाकी लोगों के लिए भी कुछ करना चाहता हूं।